दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है। जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए वो हमारी खोपड़ी कुदरती हेलमेट में सुरक्षित रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस हेलमेट में दरार पड़ जाए और दिमाग बाहर आने लगे। जी हाँ, सही सुना आपने। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने वाले हैं जिसका दिमाग उसकी नाक से बाहर आने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके साथ ऐसा होने लगा, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये घटना केरल के रहने वाले मणिकंदन के साथ हुआ, जिन्हें जन्म से ही ऐसी नाक है। और इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इन्हें जन्म से ही एंसेफालसल की बीमारी है। दरअसल इस बीमारी में जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आकार ले रहा होता है तो तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच कुछ न्यूरल ट्यूब मिलकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है। लेकिन 5000 में से एक मामले में न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। इससे नाक और आंख के पास या फिर सिर के पीछे खोपड़ी की हड्डियां पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती। तब दिमाग का कुछ हिस्सा उस जगह में से बाहर आने लगता है। जन्म के समय कई बार इस बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ एक गांठ सी बनने लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बीमारी परिवार की वंशावली में चलती है। जेनेटिक बीमारी, फिलहाल इस बीमारी से बचने का कोई पक्का तरीका नहीं है। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से मणिकंदन की खोपड़ी में एक सुराख हो गया था। जैसे जैसे मणिकंदन की उम्र बढ़ी, इस सुराख से उनके दिमाग का एक हिस्सा नाक और आंख के बीच वाली जगह से बाहर आने लगा और एक ट्यूमर की तरह लटक गया। ऑपरेशन से पहले इस ट्यूमर का साइज एक टेनिस बॉल जितना हो गया था। मणिकंदन को इससे देखने में भी तकलीफ होती थी और नाक से ऊपर एक ट्यूमर लटके होने से लोग उन्हें हिकारत की नजर से देखते थे। लोगों को उनका चेहरा काफी भद्दा लगने लगा, जिस वजह से लोग उन्हें चिढ़ाने भी लगे। यहाँ तक स्कूल में बच्चे उनसे दूर भागते थे। उनके माता पिता मजदूरी करके गुजारा करते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक महंगी सर्जरी का खर्च उठा सकें। पलक्कड़, जो कि मणिकंदन के गांव का जिला है, उसके प्रशासन और केरल के आदिवासी विभाग ने मिलकर पैसों का इंतजाम किया और कोची के एक निजी अस्पताल में मणिकंदन की सर्जरी हुई। 10 घंटे चली लंबी सर्जरी में ट्यूमर को निकाला गया और मणिकंदन की खोपड़ी में बने सुराख को भरा गया। उनकी आंखों को भी वापस सही जगह पर लाया गया। हालांकि मणिकंदन को पहले से काफी बेहतर दिखने लगा और उनका चेहरा भी सही सा हो गया है। मणिकंदन अब एक स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।